अच्छा परिवार रहता तो आज सबको लात मार के क्यों खेसारी लाल निकालता, हमको यही बात बता दी। हम उस समय भी बोले थे कि सब चोट्टा है, सब पैसा खैले बड़ा सन 30 लाख के आसपास के, अब एकनी के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए। रउरा लोग बताएं कि खेसारी लाल के कौन कौन लूटले बड़ा सन, कौन कौन फसैले बड़ा सन, कोई जान से मार कैसे जान से हम नहीं है जी। अच्छा कितना भोजपुरी में चलता था, सब शांत करवैनी की ना करवैनी, भविष्यवाणी कर देते हैं भैया, ये तो मैं खुला के भले हमको लोग गाली दिया, पवन ज्योति वाले मटर में कितना लोग गाली दिया। अभी हमारे साथ वीआईपी विजेंदर सिंह है, जो कि बहुत ही पहले खेसारी लाल को लेकर के ये खुलासा भविष्यवाणी कर दिए थे। हमेशा ये चौंकाने वाला खबर बताते हैं, वही जो कि आप आजकल आप लोग देख रहे होंगे, खेसारी लाल ने दे दिया है किसी कंपनी को, आप जितना काम है ना, गाना चाहे जो भी काम है वो कंपनी करवाएगी, जितने इर्द गिर्द थे वो सबको हटा दिया है और बता भी दिए कि जितने लेन देन है जिसको आप दिए हैं वो सब समझिए। अब बहुत पहले 3-4 महीना पहले ये सारी बात हुई थी, अनमन चल रहा था अंदर अंदर, लेकिन ये वीआईपी विजेंदर सिंह ने किया था खुलासा कि घोटाला हुआ था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। आज बात करेंगे, स्वागत है भैया। एकदम जय माता दी। भैया आप तो हमेशा भविष्यवाणी कर देते हैं, और वो भविष्यवाणी जो है आज देखा जाए तो सत हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पे? ये बहुत अच्छा पहल बा खेसारी भाई के, कि सब चमचा सन के हटा के और एगो कंपनी के दे। देखिए हॉलीवुड होके बॉलीवुड होके चाहे जो भी बड़ा बड़ा कलाकार होला, ओकरा एक कंपनी ही मैनेज करेला, लेकिन हमनी के भोजपुरी में इतना भैया जी प्रणाम करे वाला आ जाता रसन, आ एक के पहले जुड़ा तरसन भैया जी प्रणाम कह के, ओकर बाद देखी कलाकार के साथ रहत रहत अपने कंपनी बना ले तरसन, ओकर बाद अपने कंपनी में कलाकार के गवावे लग तरसन, ओकर बाद छल बेछल करके कलाकार तो मासूम होला, वो भी खेसारी लाल यादव जैसा आदमी जो सब जिस पर विश्वास कर ले, वो आदमी एकदम इतना दिल का खुला आदमी है, दिलदार है, कि उसको अगर प्यार आप करने लगे, आप उसको उसके दिल में उतर गए तो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाए। तो भैया ये सारे लोग जितने जब हम इंटरव्यू करते हैं, जितने इर्द गिर्द रहने वाले सब तो बोलते हैं कि हम लोग एक परिवार है, टीम परिवार नहीं है। अच्छा परिवार रहता तो आज सबको लात मार के क्यों खेसारी लाल निकालता, हमको यही बात बता दी। हम उस समय भी बोले थे कि सब चोट्टा है, सब पैसा खैले बड़ा सन 30 लाख के आसपास, आज तो पता चलते कि 3 करोड़ से ज्यादा के घोटाला भइल बा, 3 करोड़ से ज्यादा के हेरा फेरी भइल बा खेसारी लाल के नाम पर। तो खेसारी जी तो ये लाइव में नहीं बताए कि कितना घोटाला हुआ, कितना क्या नहीं हुआ? हम बता रहे हैं ना कि 3 करोड़ से ज्यादा, खेसारी लाल ही तो बताए ना कि मेरे साथ भी हुआ है, वो जाने दीजिए क्योंकि वो दिलदार आदमी है, लेकिन जो मेरे नाम पर लिया है वो उनसे पैसा आप लोग ले लीजिए, ये तो खेसारी भाई ने बताया। तो कौन कौन लोग पैसा तसिलते हैं, के लेगा? एक बात बताए, मेरे साथ कोई अगल बगल रहने वाले पे ही ना पब्लिक विश्वास करेगी कि वीआईपी विजेंद्र सिंह के साथ ये आदमी रहते हैं, ये हो सके गाना दिलवा दे, ये हो सके स्टेज दिलवा दे। आपको खेसारी लाल के प्रोग्राम के लिए कोई पैसा दे सकता है? नहीं देगा, क्योंकि आप खेसारी जी के साथ नहीं दिखते हैं। जो खेसारी जी के साथ फोटो डालता है, कोई रील बनाता है, कोई वीडियो करता है, उसी को ना लोग करेगा, वही तो पैसा लिया होगा, जो भी लिया हो। अगर उस सब पैसा नहीं लिया था साथ में रहने वाले को, तो खेसारी भाई काहे सबको हटाए, क्यों कह रहे हैं कि आज से मेरा कोई मैनेजर नहीं है? किसी को पैसा अगर देते हैं तो खुद जिम्मेवार, किसी को नहीं देना अगर कोई काम हो तो कंपनी से क्यों कह रहे हैं ये बताइए, कोई तो बात होगा ना। एक मतलब ये सब उनका मैनेजर बन के, दोस्त बन के उनको तो लूटा है, सब बरियार लूट ले है। और इसमें कौन कौन सा नाम है कमेंट में पढ़ लीजिएगा, आपके वीडियो के कमेंट में आ जाएगा अपने नाम। रउरा लोग बताएंगे खेसारी लाल के कौन कौन लूटले बड़ा सन, कौन कौन फसैले बड़ा सन, रउरा कमेंट कर दी लोगिन, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कमेंट, आपको पता चल जाएगा। अरे सबका नाश होने वाला है, खेसारी लाल एक छोटा सा घर से आने वाला कलाकार अपना मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, लेकिन ये सब दीमक बन के, देखिए दीमक कुर्सी को खा जाता है, मजबूत लकड़ी को भी जब दीमक लगता है ना खा जाता है, लेकिन एक बैग नहीं खाता, धीरे धीरे खाता है। तो ये दीमक रूपी मैनेजर, दोस्त, यार बन के खेसारी के साथ जुड़ा सब और उसको खोखला कर दिया, लेकिन भाई ने पहचान गया
और उहे हमनी के हाला गुल्ली ओघरिया के कोइल भले हमारा के खेसारी लाल के बहुत सारा फिल्म में निकलवा दहलसन हमरे के निकलवा दहलसन हमरे कह दहलसन कि विजेंद्र सिंह तारा खिला बड़े जबकि हम उनकरा संगे रहनी एगो फिल्म कोनी अभी प्यार के बंधन इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहलक लेकिन ओकरा बाद सब हमार इकनी क्योंकि चमचा हुआ सन या हमार शिकायत के लसा हटा देला सन लेकिन माता रानी का देखिए हम तो वही हैं हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा हमारा तो पब्लिक है हमारे साथ आज भी खेसारी भाई है लेकिन एकनी के खेसारी जी वाला लात मार के साइड कर देलक कह देलक कि कौनो के पर हमारा भरोसा नहीं है अब एकनी के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए कि हम परिवार बोलते थे और आज खेसारी भैया ने कह दिया कि मेरे साथ कोई नहीं कितना इस सबको अब कौन मुंह से कनी क्वेश्चन कि हम खेसारी भाई के परिवार लेकिन भैया देखा जाए तो शुरू से सभी लोग जितने टीम के थे मेहनत करते थे खेसारी जी के साथ में रहते थे इनको आगे बढ़ाने का काम करते जितना हाँ। हिट गाना हुआ है सब लोग मिल के ना कौन इसमें से अभी जो जुड़ा है इसमें से वो पवन पांडे और कृष्णा बेदर्दी जी को निकाल दिया जाए तो कौन ऐसा बड़ा सन जोन स्टार बनला के पहले से खेसारी के संग जुड़ल बड़ा सन हमरा के वो ए वो के नाम बताई नहीं बातें में जुड़ा पहले तो जुड़े कृष्णा बेदर्दी ना शुरू से पवन पांडे जी उससे पहले महेश जी उससे पहले एंगल म्यूजिक के रमेश जी ये सब लोग शंभू बाबा तो इसलिए काम करने आते थे और जाते थे वो लोग कलाकार हो गया वो मेरा वीडियो डायरेक्टर में हम हो गए और दिल्ली के एक दो लोग थे ये लोग शुरू के हैं इसके अलावा इस सब तो उस समय जुड़ा ना जब खेसारी लाल खुद बहुत बड़े स्टार हो चुके थे ये तो सिर्फ खाने के लिए जुड़ा सब कहाँ पवन पांडे ने कोई कंपनी बना लिया म्यूजिक कंपनी और उस पर रिलीज कर रहे हैं कहाँ महेश परदेसी ने कंपनी बना लिया ये लोग खेसारी को बढ़ाए प्रमोट किए कहाँ बीआईबी विजेंद्र सिंह ने भी आकांक्षा म्यूजिक बना लिया तो कहाँ खेसारी लाल से गाना गवा लिया नहीं ना गवाया इस पे नहीं गवाया कि मेरे साथ है और गवाएंगे तो लोग कहेगा कि खेसारी को ठग रहा है बीआईबी विजेंद्र सिंह तो हमारा कंपनी 14 में कंपनी हम खोले थे तब पर भी खेसारी भाई से हमने गाना नहीं लिया आज भी खेसारी भाई से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है पारिवारिक रिलेशन है उनके परिवार से आप भी देखते हैं उनके भाई हो हृदय भाई हो चाहे उनके पापा हो उनके मम्मी हो चाहे उनका घर हो गांव हो लेकिन हम लोग कलाकार को आगे बढ़ाते हैं न कि उससे स्वार्थ बस जुड़ते हैं ये सब तो स्वार्थ बस जुड़ा सब खेसारी लाल को एग्रीमेंट में फंसाया सब खेसारी लाल को पैसा का ठगी में ले गया खेसारी लाल को कैरेक्टरहीनता पर उतरवाना चाहा सब लेकिन खेसारी लाल बहुत अच्छा कलाकार हैं बहुत अच्छा इंसान है और खेसारी को कोई कैसे भी कर ले जाल में फंसाने वाला नहीं है। अच्छा भैया एक चल रहा है खबर आप देखे होंगे सपना चौहान एक हीरोइन है नींबू खरबूजा भाई गाना हिट खूब बजाता और बहुत सारे लगातार उनके गाने आ रहे थे खेसारी जी के चलते वो पूरा मतलब नेम फेम भी हुआ लेकिन वो लाइव में आके बताती है कि खेसारी जी को मारने की साजिश चल रही है महेश पांडे कोई वीडियो बनाया और उनका बता रहा है कि हमारा भी नाम आ रहा है हमको भी धमकी मिल रहा है के है सपना नींबू खरबूजा भाई जो गाना आया था वो कितना हिट हुआ था वो वही तो खेसारी भाई का गाना था ना तो उसी में वो मॉडल थी अच्छा मॉडल थी तो मॉडल कहिए ना भैया मॉडल है तो मॉडल कहे तो मॉडल कैसे मार देगी मारने की नहीं वो बता रही है कि साजिश चल रहा है लाइव आकर के कोई एक्ट्रेस है जो कि खेसारी जी को जान से मारने की साजिश कर रही है क्यों बता रही है कि साजिश कर रहे हैं ये तो हमको नहीं पता कौन है कि बता रही है भैया वो कौन है कि बता रही है शायद प्रेम और होगा खेसारी जी से ही चलते हैं ना खेसारी भाई अपने बीवी से प्रेम करते हैं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं अपने परिवार से प्रेम करते हैं अपने चाहने वालों से प्रेम करते हैं खेसारी भाई तो ऐसा एक कलाकार है जो अब भारी स्टेज से कहता है कि चांदा हमार मेरा रे भाई है तब ऐसा आदमी पर आप कैरेक्टर को कैसे खराब कर दीजिएगा कैरेक्टर नहीं बोल रहे हैं जैसे प्रेम होता है गाने में बहुत सारा काम काम करना देखिए वो तो मॉडल बहुत सारी आती हैं और खेसारी लाल यादव ने बहुत छोटी छोटी लड़कियों को भी प्रमोट करके बड़ा बड़ा स्टार बनाया है आप मेरे ही साथ काम करती थी रितु चौहान जो हम लाए थे इस इंडस्ट्री में
गाना भी गवाए, कॉमेडी भी करती थी, बहुत अच्छी कलाकार थी। और एक बार खेसारी भाई के स्टेज पे गई और स्टार बन गई, तो हिट हो गई। तो बहुत सारी उन लड़कियों को उन्होंने मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि आखिर विवाद में इतने घिरते जा रहे हैं खेसारी जी पे लगातार कुछ ना कुछ अपना। अरे कोई भी, अब कोई विवाद नहीं है, ये सब अपन पब्लिसिटी करे खातिर न, ये अपन अपन लाइव कोना होती है, कोनो वीडियो बना होता है, ये अपन पब्लिसिटी। तो महाराज ये छोटा बात थोड़ी ना है, बहुत बड़ा बात है ना। अगर खेसारी जी इतने बड़े स्टार है, उनको कोई जान से मारने से जान से हम नहीं है जी, ऐसा कोई बात होगा तो हम पहले हेने ना आना पड़ेगा जी। आपको क्या बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा बात होगा तो पहले VIP विजेंद्र सिंह, आपको नहीं लगता है? एकदम लगता बड़े है, बड़े है। अच्छा कितना भोजपुरी में चलता था, सब शांत करवाइनी कि ना करवाइनी, भविष्यवाणी कर देते हैं भैया ये तो मैं लग, भले हमको लोग गाली दिया, जो पवन ज्योति वाले मटर में कितना लोग गाली दिया, लेकिन सत्य हुआ ना जी। आज एक मंच पर, एक मंच पर परिवार दिखता है तो कितना अच्छा लगता है। खेसारी लाल का ही जो हम बोले थे सब, हमको कितना गाली दिया सब, लेकिन आज वही बात सही हुआ, सही हो गया। वो बेरा पवन खेसारी अलग थे, देखिए आज सब है, आज सब एक साथ है। तो ओइसन कोनो बात आई नु तो पहले विजेंद्र सिंह बावे, हम जब तक बने नु हमारा कलाकार के कुछ नहीं कह सकत, कोई भी कलाकार हमारे इंडस्ट्री को के केहू में इतना दम नहीं खे, कैमरा पर कहतनी केहू में इतना दम नहीं खे कि हमारा कलाकार के नाखून मॉरल नाखून के भी तोड़ के दिखा दे। तो ये सब अफवाह है, दर्शक क्या समझेंगे? देखिए ये सब पब्लिसिटी है। अगर कोई मॉडल आके कह रही है, अगर रो रही है, लाइव आ रही है, तो वो अपना नाम कमाना चाह रही है। तो खेसारी भाई के हो सकता है, खेसारी भाई के गाने से उसका नाम थोड़ा हुआ हो। अब लाइव आके जानते हैं ना, अगर ये नया ट्रेंड चल गया है कि आके लोग कहता है कि हमको लुगरिया रहा है, तो थोड़ा सहानुभूति लोगों को मिल जाता है, तो चाह रही होगी कि मेरा थोड़ा सहानुभूति मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती है, और खास करके लड़की तो करिए नहीं कह सकत, बानर के कुदला से शेर थोड़े मरेला। अच्छा भैया अनफॉलो भी कर दिए खेसारी जी, तो ये भी मतलब भी, होता रहता है, फॉलो अनफॉलो चलता रहता है, एक संग काम करिएगा ना। अब का अच्छा हम कहाँ खेसारी लाल के फॉलो कर, वो हमारा कोयले बड़े चाहे हम कहाँ कोयले रहनी, हम तो जन्म जन्म मात बाबे, हम कौन ये करनी, ये थोड़े है। आपको कहाँ फॉलो किए हैं, लेकिन आप हमारे पास आते हैं कि नहीं, तो होता रहता है कब फॉलो। ये सोशल मीडिया में फॉलो अनफॉलो कैला से रिश्ता ना बढ़े भैया, सोशल मीडिया पर तो लोग के 10-10 मिलियन फॉलोअर बा, ओकरा घरे कोनो दुख आ जाता तो दो आदमी नहीं खेवत। अच्छा भैया कुछ लोग बता रहे हैं कि पवन पांडे का ही कंपनी है जो खेसारी जी सारा प्रोग्राम गाने एल्बम मंच जो भी कराना इस तहत कर सकता है, क्योंकि पवन पांडे का पहले भी, पवन पांडे और इनका विकास वीरप्पन भाई का एक कंपनी था KVP इंटरटेनमेंट, जिससे स्टेज शो पहले होता था और बहुत नीट एंड क्लीन होता था, बहुत सारे कलाकार उस समय आते थे करते थे और कोई ऐसा झोल झाल नहीं होता था। तो अगर उन लोग मिल के कोई कंपनी बनाया है तो ये तो स्वागत के काबिल है, और वो लोग ईमानदार लोग हैं। अभी तक पवन पांडे हो उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा है एक रुपये का भी हेरा फेरी का, बाबा ने किसी को कुछ दिया ही है, किसी से कभी स्वार्थ नहीं रहा है, और वो निश्चल आदमी है, हम जानते हैं नया में, हम तो उनको लाने में हमारा हाथ है इस लाइन में। तो पवन बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर वो कर रहे हैं तो समझिए कि 100% ईमानदारी के साथ ही काम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में, अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।